कीर्ति आजाद जी, हमारे छोटे भाई आजाद, विष्णु अग्रवाल जी, हमारे भागलपुर के विधायक अजीत जी, वीर सिंह जी, संध्या जी एवं उपस्थित हमारे भाई बहन और युवा साथी, आप सबको पूनम आजाद का प्रणाम और नमस्कार। अभी जल्दी सोनू भैया शत्रुघ्न सिन्हा जी को हम लोग वैसे प्यार से हम लोग सोनू भैया बोलते हैं, वो हमारे परिवार गार्जियन के समान है, आने वाले हैं, इसलिए ज्यादा समय तो हमको नहीं मिलेगा, उनके आने से पहले ही दो चार शब्द आपके बीच में कहना चाहते हैं। ये कि चुनाव का वक्त आ गया है और आपके सामने मुख्य रूप से तीन प्रत्याशी है, एक तो गुप्ता जी जो पहली बार पहले भी विधायक रह चुके और 5 साल क्या कार्य किया वो आपके सामने है। कहते हैं लोग कि उन्होंने संगम विहार को जंगल बनाकर घोषित कर दिया था, जिसकी लड़ाई कांग्रेस पार्टी ने लड़ी। दूसरे प्रत्याशी जो अभी जो विधायक है मोहनिया जी, उनसे तो हम कुछ पूछना चाहते हैं, क्योंकि संगम विहार को देख के बहुत दुख होता है और बहुत मन में तकलीफ और कष्ट होता है कि हाँ संगम विहार में हम आज से नहीं, वैसे हमारा घर यहीं बगल में है, सैनिक फार्म में रहते हैं, संगम विहार में हम 25-30 साल से आ रहे हैं। संगम विहार में हमारे ससुर का यहाँ आना जाना हुआ करता था, यहाँ कई घरों में उनका व्यक्तिगत संपर्क, कोई दुर्गा पूजा, छठ पूजा, किसी के घर शादी मुंडन उसमें आते थे, कई मंदिरों में भी उनका आना जाना था। तो वो उस समय संगम विहार, क्योंकि हम भी एक गांव से आते हैं, हम भी दिल्ली में 25 साल से राजनीति कर रहे हैं, प्रवासी नेता के रूप में हमारी पहचान है, हम भी गांव से आते हैं, लेकिन उस समय भी संगम विहार की स्थिति आज से बेहतर थी, बहुत अच्छी थी स्थिति, कच्ची कॉलोनी थी लेकिन अच्छी। ये आज की तारीख में हमारा गाँव संगम विहार से बहुत अच्छा है, वहां की स्थिति जैसे कि अजीत भाई ने कहा बहुत दुख के साथ। तो हम आपके माध्यम से आज कुछ सवाल पूछना चाहते हैं अपने प्रिय भाई दिनेश मोहनिया जी से। मेरे प्रिय भाई दिनेश मोहनिया, आपकी बहन पूनम आजाद आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती है। आपके बताइए भाई मोहनिया, आप पिछले 4.5 साल कहाँ थे? आपको तो लोगों ने देखा नहीं, कहते हैं आप यहाँ के विधायक हैं, आपको चुना है। उसके बाद भाई मोहनिया, हमारी सड़क कहाँ है? कहाँ गई हमारी सड़क? हमारे संगम विहार को आपने एक कुएं, अंधा कुआं की तरह तब्दील कर दिया, जिसका निकासी का कोई रास्ता नहीं, गड्ढा या सड़क या नाली सब एक समान है, और हमारे दुकानदार इतने परेशान क्यों है भाई मोहनिया जी, ये जवाब तो दीजिए। भाई मोहनिया, आपने निकासी का कोई रास्ता ही नहीं छोड़ा, ऐसे निकासी में हमारे पास कोई इमरजेंसी हो जाए तो हम तरफ तरफ के जान दे देते हैं, सड़कों पर ही जान दे देते हैं। हमारी बहने को इतना इतना सारी उठा के भाई मोहनिया सड़कों पर क्यों चलना पड़ता है? आप तो यहाँ के विधायक है मोहनिया जी। एक और बात मोहनिया जी कहना चाहेंगे, आप तो लोग कहते हैं, हमें बताया कि आप जल बोर्ड के उपाध्यक्ष हैं, भाई मोहनिया ये तो बताइए संगम विहार में जल कहाँ है? जल है तो उसमें पानी का टैंकर का माफिया क्यों चलता है? और कहते हैं कि आप उस माफिया में शामिल है, इसमें आपके पास जांच के कई जांच, आपके ऊपर सीबीआई की जांच चल रही है। लोग ये भी कहते हैं मोहनिया जी कि आपने जमीनें बिचवा दी, जो यहाँ के लिए विद्यालय अस्पताल के लिए थी वो सरकारी जमीनें बिकवा दी। भाई मोहनिया जी, हम आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, भाई मोहनिया जी आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, हम भी एक महिला है, कहते हैं जहां महिलाओं की सम्मान होती है वहां ईश्वर अल्लाह विराजमान करता है, लेकिन हमने आपकी एक फोटो देखी है, हमने देखी है कि आपको फोटो कि आपको पुलिस विधायक रहते हुए आपको पुलिस पकड़ के लेके जा रही है दोनों हाथों से, और वो भी चार्ज इसलिए हमारी बहनें बताती हैं
कि आप महिलाओं के साथ छेड़खानी करके आरोप में, दुर्व्यवहार के आरोप में आपको पुलिस लेके जा रही है। ऐसा क्यों मोहनिया जी, आप तो यहाँ के विधायक फिर किस बात पे है? एक और भाई मोहनिया जी, हमारी बहने इतनी क्यों परेशान है? कहते हैं उनका घर में पैसा नहीं बचता, या तो बच्चा उनका स्कूल नहीं जा पाता सड़क के कारण, या जो पैसा है वो किराए जो ऑटो वाले उनसे दुगुना किराया वसूल करते हैं, इनके कारण वो हमारी बहनें बहुत परेशान हैं। तो इतने सारे होने के गुण होने के आप में मोहनिया जी आपने किया है, तो आप किस अधिकार से यहाँ के विधायक हैं? आपको तो नामांकन करने का भी अधिकार नहीं होना चाहिए। और इस बात की जनता भाई मोहनिया, आपकी यह पूनम आजाद बताती है कि 8 फरवरी को जब जनता वोट देने जाएगी तो इस सारे बातों का जवाब जो आपकी बहन पूनम आजाद ने पूछा है वो आपको दे। और तीसरा, हम अपने बारे में बताते हैं कि आपकी यह पूनम आजाद इकलौती महिला प्रत्याशी है और शेरनी प्रत्याशी है, हमें मालूम है कि काम कैसे किया जाता है। हमारी जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है हमें बताया है, हमें मालूम है कि हमें काम कैसे करना है, सड़क कैसे, क्योंकि सड़क कैसे लाना है, 12वीं का स्कूल कैसे खोलना है, अस्पताल कैसे खोलना है, पानी कैसे लाना है, रोजगार कैसे दिलाना है, और प्रशासन से काम कैसे करवाना है। क्योंकि हमारे ससुर ने कहा था कि अगर राजनीति करना है तो ईमानदारी से जनता की सेवा, हमारे ससुर भागवत आजाद, राजनीति करना है तो ईमानदारी से जनता की सेवा करना। और हम सक्षम है आज यही ईमानदारी की सेवा कीर्ति आजाद जी ने अपने क्षेत्र में की, यही काम सड़क, पानी, बिजली, अस्पताल, एम्स, एयरपोर्ट, बड़ी बड़ी ट्रेनें अपने क्षेत्र में ले जा चुके हैं, और इसी काम के बदौलत उन्हें मोदी सरकार ने पिछले पार्लियामेंट में उनका A+ सर्टिफिकेट दिया था। हमें मालूम है काम कैसे किया जाता है। और हम ये भी कह रहे हैं कि हम दिनेश मोहनिया या गुप्ता नहीं है, अगर हमने काम करके नहीं दिखाया, अगर आप हमें चुनते हैं, हम इतना विकास करेंगे कि संगम बिहार को भारत के नक्शे पर ले जाके खड़ा करेंगे। अगर हमने काम नहीं किया तो हम आज आपके सामने प्रण लेते हैं कि हम दोबारा चुनाव नहीं लड़ेंगे, आपके सामने नहीं आएंगे। ये बात हमने ससुर से सीखी है, उन्होंने कहा है कि जनता सबसे बड़ी जनादन, जनता राजनीति में जनता से बड़ा कोई नहीं होता, हर एक नेता जनता के सामने बहुत छोटा होता है और जनता ही सर्वोपरि होती है। जो जनता को नहीं पूछता वो दिनेश मोहनिया की तरह बिल्कुल उसका चुनाव में वोट मांगने का अधिकार नहीं होता। और खास तौर से महिलाएं सब भी भारी मात्रा में है। हम ये भी बताना चाहेंगे आप सबसे कि हमारी भी एक दुखती व्यथा है। चुनाव की बात से पहले हर एक महिला अपने पति से कुछ पैसे छुपा के रखती है, उसके पर्स से, जेब से कुछ पैसे लेके रखती है। हमने भी कीर्ति आजादी से छुपा के कुछ पैसे जमा किए थे, और एक दिन ऐसा आया कि मोदी सरकार ने नोटबंदी कर दी, अब वो सारे पैसे मुझे इनके निकाल के देने पड़े। और उस समय ऐसा भी आया था कि अगर अकाउंट में 1.5-2 लाख जमा करवा दो तो आपको पैसे, आपके पैसे बच जाएंगे। इन्होंने कहा मेरे अकाउंट में डलवा दो, हमने डलवा दिया, वो पैसे आज तक मुझे नहीं मिले। यही कहने का, जो हम महिलाओं के पास बचा हुआ धन था वो रातों रात काला धन हो गया, उसे जाके जमा करवाना पड़ा। लेकिन जो बड़े बड़े काले धन वाले थे, विजय माल्या, नीरव मोदी, स्विस बैंक में जिनके अकाउंट में खाते पैसे हैं, वो सब बाहर अच्छे से जी रहे हैं और बाहर चले गए। लेकिन हम महिलाओं का पैसा वो काला धन हो गया। और मोदी जी ने जो कहा था कि 15 लाख अकाउंट में आएंगे, वो आज तक आता ही रह गया, कहा कि वो जुमला है, विशेष और कुछ नहीं कहेंगे। कीर्ति जी के उनको भी कहना है, सोनू भैया भी आने किसी वक्त आने वाले हैं, जाते जाते आपसे 4 लाइन कहेंगे जो हमारे ससुर ने, कि
हम कीर्ति आजाद जी के लिए एक कविता लिखी थी, वो आज आशीर्वाद स्वरूप आपके सामने, क्योंकि चुनाव एक रणभूमि भी है और हमें आपके आशीर्वाद के साथ साथ उनकी भी आशीर्वाद की जरूरत है कि हम ईमानदारी से यहाँ से चुन के आए और विकास कर सके यहाँ के जनता, क्योंकि आपने मुझमें एक आशा का किरण देखा है। आप जिस तरह से आपका समर्थन मिला है, आप मुझे बहुत, आपने मुझे आशा दी कि हम यहाँ पे विकास कर पाएंगे, आपको आपने मुझमें देखा है। और वो कविता है, कोटि कोटि अरमानों का सपना तुम साकार करोगे, कोटि कोटि अरमानों में तुम नूतन रंग भरोगे, यह देश मांगता त्याग, ये संगम बिहार भी देश से कम नहीं, चुनौती से कम नहीं है, ये देश मांगता त्याग, क्या दोगे तुम अपनी जवानी, यह देश कह उठेगा जय जय नव हिंद का पानी, जय जय नव हिंद का पानी। आप सबको प्रणाम। बस बस, आप सबको प्रणाम नमस्कार। आप सबसे नम्र निवेदन है, आप हमको अपना सहयोग दें, और हमारा बटन नंबर 2 है, इस पर बटन दबाएं, और पुनः आप सबको प्रणाम।